नमस्ते, मैं हूं आपका जमाकर्ता बंधु। कैसे आना हुआ? आपने गाड़ी मालिक का नाम जोड़ने की कोशिश की पर वह जुड़ा नहीं। कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? अपने मोबाइल फ़ोन में डीजी ऐप को छुएं। अब आप गाड़ी मालिक का नाम जोड़ने के लिए यहां बने निशान को छू सकते हैं। अब आप किसान का नाम, गाड़ी मालिक का नाम और गद्देदार का नाम ऊपर बनी सूची में जोड़ या बदल सकते हैं। जोड़ने के लिए जोड़ के निशान पर दबाएं और बदलने के लिए पेंसिल के निशान पर छुएं। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी मालिक का नाम जोड़ना है, तो सबसे पहले गाड़ी मालिक वाली सूची को छूते हैं। सूची छूने पर आपको ढेर सारे गाड़ी मालिकों के नाम दिखेंगे। सबसे पहले इस सूची में बिट्टू जी का नाम ढूंढते हैं। बिट्टू जी का नाम इस सूची में नहीं है, इसलिए हमें उनका नाम जोड़ना होगा। हम जोड़ने वाले चिन्ह का इस्तेमाल करके बिट्टू जी को सूची में जोड़ सकते हैं। जोड़ने वाले चिन्ह को छूने के बाद यह नया पेज खुलता है। यहाँ पर आप गाड़ी मालिक का नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ गाड़ी मालिक का नाम लिखें। यहाँ गाड़ी मालिक का फ़ोन नंबर लिखें। यहाँ गाड़ी का नाम लिखें। यहाँ गाड़ी का नंबर लिखें। बिट्टू जी का नाम और उनका नंबर जोड़ने के बाद ये ध्यान रखें कि गाड़ी का नाम और गाड़ी का नंबर सही जोड़ें। अब क्योंकि बिट्टू जी के पास दो गाड़ियां हैं, इन्हें एक-एक करके जोड़ना होगा। इस गाड़ी को पक्का करने के लिए छोटे हरे निशान को छुएं। इसी तरह दूसरी गाड़ी का नाम सूची में जोड़ें। यहाँ गाड़ी का नाम, यहाँ गाड़ी का नंबर, अब फिर से छोटे हरे निशान को छुएं। अब आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियां यहां जुड़ चुकी हैं। ध्यान दें, किसी भी समय अगर आपने बड़े वाले लाल रंग के गलत के चिन्ह को छुआ तो ये सूची रद्द हो जाएगी और आपको फिर से गाड़ियों का नाम, संख्या और मालिक का नाम भरना पड़ेगा। आइए सूची को पक्का करते हैं। हरे रंग का बड़ा निशान छुएं। अब देखते हैं बिट्टू जी का नाम इस सूची में जुड़ा या नहीं। बिट्टू जी का नाम सूची में जुड़ गया है। जैसा आप देख सकते हैं, ये बिट्टू जी का नाम, बिट्टू जी का नंबर, उनके पास दो गाड़ियां हैं, उनका फोन सही है, इसलिए यहाँ हरे रंग का निशान। बिट्टू जी की गाड़ी देखने के लिए बिट्टू जी को सूची को छुएं और आप देख सकते हैं बिट्टू जी के पास मोटरसाइकिल और टेम्पो 3 पहिया हैं। इस सूची में एक और गाड़ी का नाम जोड़ने के लिए पेंसिल वाले निशान को छुएं।